नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का न्यूज बुलेटिन। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। अंबानी फैमिली में अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट की शादी का जश्न शुरू हो चुका है। इस बीच एशिया के सबसे अमीर इंसान मुकेश अंबानी गुरुवार को दिल्ली पहुंचे और राहुल गांधी के आवास पर पहुंचकर उनसे मुलाकात की और कुछ देर बाद 10 जनपद स्थित आवास से रवाना हो गए। ऐसा माना जा रहा है कि मुकेश अंबानी अपने बेटे की शादी का कार्ड देने के लिए सोनिया गांधी और राहुल गांधी के घर पहुंचे। बता दें, अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट 12 जुलाई को शादी के बंधन में बंधने जा रहे हैं। यूपी के कानपुर में हत्या के प्रयास समेत कई मुकदमों में वांछित 25,000 के इनामी को कानपुर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। इसके बाद उसे छुड़ाने के लिए भाजपा विधायक अभिजीत सिंह संगा सैकड़ों समर्थकों के साथ थाने पहुंच गए। विधायक ने पुलिस पर गंभीर आरोप लगाते हुए युवक को छोड़ने की मांग की। उन्होंने दारोगा पर घूस मांगने, झूठे आरोपों में फंसाने और आरोपी को कॉल कर बुरी तरह मारने का आरोप लगाया। इस मामले की सूचना मिलते ही पहले ACP और फिर DCP मौके पर पहुंचे और घंटों विधायक से बातचीत हुई। बीच बीच में कहासुनी हुई, लेकिन आखिरी में आरोपी को जेल भेज दिया गया। विधायक ने आरोप लगाया कि जिसको पुलिस ने आरोपी बनाया है, उसके भाई की हत्या हुई थी। पुलिस उस पर दबाव डालने के झूठे केस लगा रही है। राजस्थान में 6 महीने की भजनलाल सरकार को तगड़ा झटका लगा है। विधानसभा का बजट सत्र शुरू होते ही वरिष्ठ कैबिनेट मंत्री और मीणा जाति के कद्दावर नेता डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा ने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। इसे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की कार्यशैली के खिलाफ बगावत भी कहा जा रहा है। वरिष्ठ पत्रकार विजय विद्रोही ने सत्य हिंदी के लेख में कहा है कि बाबा किरोड़ीलाल का इस्तीफा मुख्यमंत्री ने मंजूर नहीं किया है, लेकिन बाबा के नजदीकी सूत्रों ने कहा है कि अब चाहे जितनी भी मान मनोबल की कोशिश हो, मीणा मानने वाले नहीं है। पिछले दिनों वो 2 दिन दिल्ली में थे, लेकिन पता चला है कि महामंत्री स्तर के नेता भी मुलाकात का समय नहीं दे पाए, इससे भी वो खिन्न हैं। तो दिल्ली में बात बनी नहीं और जयपुर आते ही बाबा ने खुद ही एक टीवी चैनल से कह दिया कि उन्होंने 7 दिन पहले ही इस्तीफा दे दिया था, लिहाजा वो भजनलाल मंत्रिमंडल की बैठक में शरीक नहीं हुए। सवाल उठता है कि जब 5 सीटों पर विधानसभा के उपचुनाव अगले 2-3 महीनों में होने की संभावना है, तो बाबा का इस्तीफा क्या बीजेपी आलाकमान को मुश्किल में डालने वाला है? बीजेपी के लिए सबसे बड़ी मुश्किल ये है कि डॉक्टर मीणा घर बैठने वाले नेताओं में से नहीं है। अब जब मंत्री पद का प्रोटोकॉल भी नहीं है, तो धरना प्रदर्शन करने के लिए आजाद हैं, जैसा कि वो अशोक गहलोत सरकार के समय किया करते थे। वरिष्ठ पत्रकार विजय विद्रोही का कहना है कि किरोड़ीलाल मीणा के नजदीकी सूत्रों का कहना है कि वो दौसा लोकसभा सीट में उम्मीदवार के चयन से लेकर कार्यकर्ताओं की खिन्नता से दुखी थे। इसके अलावा उन्हें कम महत्व का मंत्रालय मिलने का भी गलाल था। खासतौर से ये देखते हुए उनसे जूनियर विधायकों को मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री तक बनाया गया और कुछ अन्य जूनियर विधायकों को ज्यादा बड़े मंत्रालय दिए गए। गौरतलब है कि जब उन्हें कृषि मंत्रालय दिया गया था, तब भी उन्होंने तंज कसा था कि 20 साल पहले पहली बार मंत्री बनने पर भी कृषि और 20 साल बाद भी वही कृषि मंत्रालय। इस पर तुर्रा ये कि उनके मंत्रालय से कृषि विपणन विभाग और पंचायती राज विभाग को काट दिया गया, यानी वरिष्ठ मीणा नेता के सियासी पर कतरे गए। द लैंसेट प्लेनेटरी हेल्थ जर्नल में प्रकाशित रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत के 10 प्रमुख शहरों में रोजाना 7% मौतें खराब आबो हवा से हो रही हैं। इन शहरों में हवा की गुणवत्ता PM2.5 है, जो वायु प्रदूषण का नतीजा है। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO की सुरक्षित सीमा से ये बहुत ज्यादा है। लैंसेट की ये स्टडी रिपोर्ट अहमदाबाद, बेंगलुरु, चेन्नई, दिल्ली, हैदराबाद, कोलकाता, मुंबई, पुणे, शिमला और वाराणसी शहर के डेटा विश्लेषण पर आधारित है। इससे पता चला कि PM2.5 का लेबल छोटे कणों के जरिए फेफड़ों और खून की नसों में गहराई तक प्रवेश कर जाता है। लैंसेट रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली में PM2.5 वायु प्रदूषण की वजह से रोजाना और सालाना मौतों का हिस्सा सबसे अधिक है। राजधानी दिल्ली में वायु प्रदूषण की वजह से सालाना लगभग 12,000 मौतें दर्ज होती हैं, जो राजधानी में होने वाली कुल मौतों का 11.5% है। झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकारी अध्यक्ष हेमंत सोरेन ने एक बार फिर CM पद की शपथ ले ली है। हेमंत सोरेन तीसरी बार झारखंड के मुख्यमंत्री बने हैं। बुधवार को चंपई सोरेन ने CM पद से इस्तीफा दे दिया था। अग्निवीर के शहीदों को दिए जाने वाले मुआवजे को लेकर सरकार और विपक्ष आमने सामने है। अब पंजाब के शहीद अग्निवीर अजय कुमार के परिवार ने साफ किया है कि उन्हें 98 लाख रुपए तो मिल चुके हैं, लेकिन मुआवजे की रकम अजय कुमार की जगह नहीं ले सकती। शहीद अजय के पिता ने अग्निवीर योजना को खत्म करने की भी मांग की और कहा कि हमें पेंशन व कैंटीन कार्ड भी मिलना चाहिए। उनकी बहन ने कहा कि सरकार ने हमें पैसा दिया है, लेकिन हम चाहते हैं कि वो इस योजना को बंद कर दें। बता दें, इससे पहले राहुल गांधी ने अजय कुमार के पिता का एक वीडियो ट्वीट किया था, जिसमें वो कह रहे थे कि उन्हें 1 पैसा नहीं मिला है। राजनाथ जी कह रहे हैं कि 1 करोड़ पैसा मिल गया है, लेकिन हमें ना कोई मैसेज आया है और ना कोई पैसा। लेकिन आज उनका ये बयान आया है। हालांकि अब उन्होंने ये भी कहा है कि राहुल गांधी के साथ बातचीत का वीडियो पुराना है।
वहीं बीजेपी नेता अमित मालवीय ने कहा है कि अग्निवीर के पिता ने राहुल गांधी के झूठ को बेनकाब कर दिया है। कांग्रेस ने गुरुवार को आरोप लगाया है कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने संसद में शहीद अग्निवीरों के परिवारों को मुआवजे के मुद्दे पर झूठ बोला है और इसके लिए माफी की मांग की। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस के सैनिक विभाग के चेयरमैन रिटायर्ड कर्नल रोहित चौधरी और विंग कमांडर अनुमा आचार्य ने यह आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि संसद में अग्निवीर पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने गलत और आधी अधूरी जानकारी दी है। 13 अग्निवीर जो शहीद हुए हैं और जो अग्निवीर सेवारत हैं, ये उनका मामला है। उन्होंने कहा कि देश की सुरक्षा का मामला है, लेकिन देश की सुरक्षा को ही दांव पर इस सरकार ने लगा दिया है और गलत बयान दिए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि राजनाथ सिंह ने कहा था कि अग्निवीर के शहीद जवानों को 1 करोड़ दिया जाता है, लेकिन ये अधूरा सच है। उन्होंने ये भी बताया कि अग्निवीर के शहीदों को 1 करोड़ और रेगुलर को 2 करोड़ से अधिक मिलते हैं। उन्होंने कहा कि अग्निवीर को 48 लाख इंश्योरेंस मिलता है, जबकि रेगुलर शहीद सैनिकों को 75 लाख मिलता है। राजनाथ सिंह ने ये नहीं बताया है, हम भेदभाव के खिलाफ। उन्होंने कहा कि स्थिति बहुत भयावह होने वाली है, अगले 10 साल में हमारी सेना केवल 8 लाख रह जाएगी और उसमें 6 लाख अग्निवीर होंगे और रेगुलर केवल 2 लाख होंगे। देश की सुरक्षा दांव पर लगाई जा रही है। उत्तर प्रदेश पुलिस ने हाथरस में हुई भगदड़ के सिलसिले में गुरुवार को सत्संग के 6 आयोजकों को गिरफ्तार किया। मुख्य सेवादार देव प्रकाश मधुकर के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी करने की बात कही गई। पुलिस ने आयोजकों के खिलाफ FIR दर्ज और जांच जारी की है, लेकिन मामले में नारायण साकार विश्व हरि या भोले बाबा का नाम नहीं लिया गया है। हाथरस के सत्संग में मंगलवार को भगदड़ मचने से 121 लोगों की मौत हो गई थी। उत्तर प्रदेश के हाथरस जिले में आयोजित एक सत्संग में मची भगदड़ को लेकर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा है कि बीजेपी सरकार ने स्वास्थ्य विभाग को खत्म कर दिया है, कई लोगों की इलाज न मिलने पर मौत हो गई। मीडिया से बात करते उन्होंने कहा कि अधिकारी और प्रशासन समय समय पर तैयारी करते हैं कि भीड़ हो जाए तो भीड़ का प्रबंधन कैसे किया जाए, इमरजेंसी में क्या क्या जरूरतें पड़ती हैं और उन्हें कैसे पूरा किया जाए। स्वास्थ्य सेवाएं उत्तर प्रदेश में पूरी तरह बर्बाद हो गई। समाजवादी पार्टी इस बात को बार बार उठाती रही है कि स्वास्थ्य सेवाएं खत्म की जा रही हैं। उन्होंने कहा कि एक भी अस्पताल बीजेपी सरकार ने ऐसा नहीं बनाया जहां गरीब का इलाज हो सके। समय समय पर इलाज न मिलने पर कई लोगों की जान चली गई। बता दें, सत्संग में मची भगदड़ से अब तक 121 लोगों की मौत हो चुकी है। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी हाथरस का दौरा करेंगे। वो यहाँ भोले बाबा के सत्संग में हुई भगदड़ में मारे गए लोगों के परिजनों से मुलाकात करेंगे। कांग्रेस महासचिव KC वेणुगोपाल ने बताया, राहुल गांधी जल्द हाथरस जाएंगे और पीड़ित परिवार से मुलाकात करेंगे। पप्पू यादव ने कहा है कि अगर तेजस्वी यादव 4-4 दिन अपने तमाम विधायकों के साथ मेरे यहाँ कैंप नहीं करते तो राहुल गांधी आज प्रधानमंत्री होते। अपने पुराने दल RJD के साथ बने हुए मतभेद के सवाल पर पप्पू यादव ने कहा कि हमें कांग्रेस को मजबूत करना है, किसी से कोई लेना देना नहीं है। देश का तो नाच ही हो गया है। अहंकार और घमंड के चलते 20-20 सीट पर हम हार गए, सिर्फ 9 सीट आई हैं। आप उठाकर देख लीजिए, शहाबुद्दीन जी की पत्नी और दूसरे उम्मीदवार क्यों हारे। कहते थे इंडिया गठबंधन को वोट नहीं दोगे तो NDA को दे दो, लेकिन पप्पू यादव को नहीं देना, यही कहा था ना। झारखंड हाईकोर्ट ने पुलिस की बर्बरता की शिकार पीड़ित को 5 लाख रुपए का मुआवजा देने और ये रकम आरोपी अधिकारी से वसूले जाने का निर्देश दिया। मामले की अध्यक्षता कर रहे जस्टिस आनंद सेन ने कहा कि याचिकाकर्ता को गलत तरीके से हिरासत में लिया गया और प्रताड़ित किया गया, जिससे भुगतान के 2 महीने के भीतर जिम्मेदार पुलिस अधिकारियों से वसूली करना अनिवार्य हो गया। संसद में भाजपा का कई नाजुक मौकों पर साथ देने वाली BJD भी बुधवार को खुलकर BJP के विरोध में आ गई। बुधवार को उसने राज्यसभा में धन्यवाद प्रस्ताव पर प्रधानमंत्री मोदी के भाषण के दौरान बाकी विपक्षी दलों के साथ वॉकआउट किया। हालांकि YSRCP अभी BJP के समर्थन में है और विपक्ष के व्यवहार की निंदा कर रही है। BJD और YSRCP विपक्ष में होने के बावजूद अभी भी इंडिया गठबंधन का हिस्सा नहीं है, लेकिन दोनों की राहें जुदा हैं। विपक्ष द्वारा मणिपुर संकट को लेकर NDA सरकार पर लगातार अटैक के बीच PM मोदी ने बुधवार को राज्यसभा में कहा कि उनकी सरकार राज्य में शांति बहाल करने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। वहीं दूसरी ओर सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को इस बात पर हैरानी जताई कि मणिपुर सेंट्रल जेल में एक विचाराधीन कैदी को सिर्फ इसलिए मेडिकल चेकअप के लिए अस्पताल नहीं ले जाया गया क्योंकि वो कुकी समुदाय से है। जस्टिस JB पारदीवाला और जजल भुइया की अवकाश पीठ ने मणिपुर सरकार के खिलाफ तीखी टिप्पणी करते हुए कहा, माफ करें वकील, हमें राज्य पर भरोसा नहीं है। आरोपी को अस्पताल नहीं ले जाया गया क्योंकि वो कुकी समुदाय से है। दुखद, हम उसकी अब जांच करने का निर्देश देते हैं। अगर मेडिकल रिपोर्ट से पता चलता है कि कुछ गंभीर है तो हम आपके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। असम में बाढ़ के कारण हालात खराब हो गए हैं। 29 जिलों में 16,50,000 से अधिक आबादी प्रभावित हुई है और 4 जुलाई को राज्य भर में प्रमुख नदियां खतरे के स्तर से ऊपर बह रही हैं।
लद्दाख में सीमा तनाव के बीच विदेश मंत्री एस जयशंकर और चीनी विदेश मंत्री वांग यी ने गुरुवार को कजाकिस्तान की राजधानी अस्ताना में मुलाकात की। दोनों विदेश मंत्री कजाकिस्तान में शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन को समिट में हिस्सा लेने पहुंचे हैं। नेपाल की राजनीति इस वक्त काफी उलटफेर के दौर से गुजर रही है। मौजूदा पुष्प कमल दहल प्रचंड सरकार से केपी शर्मा ओली की पार्टी ने अपना समर्थन वापस ले लिया है। इसके साथ ही प्रचंड सरकार अल्पमत में आ गई है। ओली की पार्टी प्रचंड सरकार की सबसे बड़ी सहयोगी पार्टी थी। यह समर्थन नेपाल में नए बने गठबंधन का नतीजा है। शेर बहादुर देववा की नेपाली कांग्रेस और ओली की CPN-UML पार्टी ने नया गठबंधन बना लिया है। ब्रिटेन में लाखों लोग गुरुवार 4 जुलाई को महत्वपूर्ण आम चुनाव में ब्रिटिश राजनीति को नया आकार देने जा रहे हैं। जनमत सर्वे से कीर स्टामर के नेतृत्व वाली लेबर पार्टी की भारी जीत का संकेत मिला है। प्रधानमंत्री ऋषि सुनक की कंजर्वेटिव पार्टी बुरी तरह हार सकती है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात की है। दोनों ही नेता शंघाई सहयोग संगठन के समिट में हिस्सा लेने के लिए कजाकिस्तान की राजधानी अस्ताना में हैं। इस मुलाकात के दौरान शहबाज शरीफ ने पुतिन से कहा कि मेरे निवेदन पर आप कई क्षेत्रों में सहयोग के लिए तैयार हुए। हमने तेल के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाया, आपने हमें तेल भेजा और हम उसके शुक्रगुजार हैं। हमारे रिश्ते ना तो भू राजनीतिक वजह से आगे बढ़ रहे हैं और ना ही इस पर किसी और देशों से हमारे रिश्तों का असर पड़ेगा। पाकिस्तान के आपके देश से पुराने व्यापारिक रिश्ते हैं। अब तक की सुर्खियों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्य हिंदी.com के साथ।